नमस्कार, आप देख रहे हैं जय भारत। मैं हूं विनीता मिश्रा। विधानसभा सत्र की शीतकालीन सत्र की शुरुआत कल से होने जा रही है। ये सत्र 22 नवंबर से 28 नवंबर तक चलेगा, लेकिन इस सत्र में इस बार आवारा कुत्ते नहीं दिखाई देंगे। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, इस बार सत्र में आवारा कुत्तों की नो एंट्री कर दी गई है। पिछली बार सत्र के दौरान आवारा कुत्ते विधान परिषद के जो ग्राउंड है उसमें देखे गए थे, जिसके बाद ये जो खबरें थी, जो तस्वीरें थी, तमाम टीवी चैनल पर छा गई और बिहार विधानसभा सत्र का मजाक उड़ाया गया। इस बार इसी वजह से जो विधानसभा के स्पीकर हैं विजय कुमार चौधरी, उन्होंने ऐलान किया है कि किसी भी कीमत पर विधानसभा परिसर में आवारा कुत्तों की नो एंट्री होनी चाहिए। अगर आवारा कुत्ते विधानसभा परिसर में देखे गए तो इसकी जवाबदेही अधिकारी होंगे। और बता दें कि इसी सिलसिले में 600 जवानों की तैनाती की गई है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि विधानसभा शीतकालीन सत्र में किसी प्रकार की कोई चूक ना हो, किसी अपराधी की एंट्री ना हो। अपराधी की तो छोड़िए, यहाँ पे विशेष सुरक्षा कुत्तों के लिए की गई है ताकि विधानसभा परिसर में किसी भी आवारा कुत्ते की एंट्री ना हो। और विधान जो स्पीकर विधानसभा के स्पीकर हैं विजय कुमार चौधरी, उन्होंने साफ कह दिया है कि कुत्तों की, आवारा कुत्तों की एंट्री बिल्कुल भी मंजूर नहीं होगी। अगर कुत्ते दिखाई देते हैं तो इस पर अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। तो खासकर इस बार प्लानिंग की गई है कि विधानसभा सत्र के दौरान विधानसभा परिसर में कुत्तों पर लगाम लगाई जा सके, आवारा कुत्ते उस परिसर में ना घुसे। तो तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जय भारत के साथ, साथ ही साथ हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अजय भारत परिवार की तरफ से आप सभी सम्मानित दर्शकों का आभार। आपके प्यार ने हमें बनाया लोकप्रिय न्यूज चैनल और लोकप्रिय डिजिटल न्यूज नेटवर्क। टीवी के माध्यम से लगभग 1 करोड़ घरों तक पहुँचा अजय भारत। सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर पर मिला 10 करोड़ लोगों का प्यार। अब नए तेवर और नए कलेवर के साथ आ रहा है अजय भारत। तो फिर देर किस बात की, तो कॉल या व्हाट्सएप करें हमारे नंबर 7488051092 पर।